दोस्तों किस प्रकार से भारत के जाबाजों ने रांची के रण में हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया, अगर आपने लाइव एक्शन मिस कर दिया है तो फिर हाईलाइट देखने के लिए हो जाइए तैयार। तो लगे हाथ वीडियो को भी कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको क्रिकेट हाईलाइट। तो इस चौथे टेस्ट मुकाबले में बेन स्टोक ने जीता था, टॉस किया था बल्लेबाजी का फैसला और शुरुआत तो बेहद ही खराब रही इंग्लैंड की, 112 पर खो दी थी इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट। उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने जबरदस्त वापसी की, जो रूट की 131 रनों की तूफानी पारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम इस पहली पारी में 353 रन बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन भारत की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी अपनी पहली पारी में, तो भारत की भी शुरुआत कुछ इसी प्रकार से रही। भारत ने 177 पर खो दिए थे अपने 7 विकेट। उसके बाद ध्रुव जुरेल की वो ऐतिहासिक पारी जिसमें उन्होंने कुलदीप यादव के साथ मिलकर 76 रनों की वो एक जरूरी और अहम पार्टनरशिप लगाई, जिसके चलते भारत इस मुकाबले में वापसी कर पाया और भारत ने इस अपनी पहली इनिंग में 307 रन बनाने में कामयाब रही। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई, जबकि उनके पास 40 रनों की लीड मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। और अगर बात करें हम आर अश्विन की, तो 5 विकेट चटकाए आर अश्विन ने। कुलदीप यादव गजब की गेंदबाजी की, 5वें गेंदबाज के तौर पर खेल रहे थे, सबसे बाद में गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन कुलदीप यादव ने भी 4 विकेट चटकाए, वो भी अहम विकेट जो इंग्लैंड की एक मजबूत ताकत कही जाती थी। इस प्रकार से भारत ने इंग्लैंड की टीम को दूसरी पारी में 145 रन पर समेट दिया और इंग्लैंड की टीम को अब इस मुकाबले में दूसरी पारी में 192 रनों की लीड मिल चुकी थी, क्योंकि 46 रनों की लीड उनके पास पहले से मौजूद थी। जिसके चलते भारत ने जब चौथे दिन के आखिरी सेशन में बल्लेबाजी की, तो 40 रन बना डाले थे बिना विकेट खोए। भारत ने चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन जब बल्लेबाजी की आखिरी सेशन में, तो रोहित शर्मा ने 24 और जयसवाल ने 16 रन बनाए थे। अब भारत को इस टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए चौथे दिन सिर्फ 152 रनों की ज़रूरत थी और भारत ने इसे बड़ी आसानी से चेस कर लिया। इस प्रकार से भारत ने इस हारी हुई मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अब बताइए आप किस खिलाड़ी की वजह से भारत ने मुकाबला जीता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।